हेलो गाइस, सुनीता शुक्ला किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बना रही हूँ अनियन जंबो जेट पकौड़े, प्याज के बहुत ही स्पेशल पकौड़े मैं बना रही हूँ। ये अनियन मैंने लिया है, और मैंने धनिया लिया है, मैंने बेसन लिया है, सौंफ लिया है, जीरा लिया है, मैंने नींबू लिया है, हरी मिर्च लिया है, पुदीना लिया है, ऑयल लिया है मैंने, और मैंने चावल का आटा लिया है, मक्के का आटा लिया है मैंने, और मैदा लिया है मैंने, और ये मैंने काली मिर्च लिया है, कलौंजी लिया है, लाल मिर्च लिया है मैंने, कश्मीरी रेड चिली और नमक लिया है, अजवाइन लिया है। तो चलिए चलकर बनाते हैं हम अनियन जंबो जेट पकौड़े, प्याज के स्पेशल पकौड़े। देखिए, हमने प्याज को अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। अब हम बताते हैं किस तरह कैसे हम काटेंगे इनको। तो ये देखिए, इस तरह से हम प्याज को लेंगे और बीच से हमको जी बहुत नीचे तक हमको नहीं काटना, यहाँ तक काटना है इधर तक, और इस तरह से फिर हम फिर बीच से इस तरह से काट लेंगे ये, और फिर इस तरह से ये हमको इस तरह से चारों तरफ से अच्छी तरह काट देना है। तो ये देखिए, ये अच्छे फ्लावर की तरह इसकी कलियाँ ये देखिए खिल गई हैं। इस तरह से हम अपनी सारी प्याज काट लेंगे। तो ये देखिए, हमने इस तरह से अपनी सारी प्याजों को काट लिए हैं। तो ये देखिए, हम अनियन ले लिए हैं अपने, और इस तरह से अब हम चावल का आटा इसमें अच्छी तरह से कोट कर देंगे। इस तरह से हमको अंदर अच्छी तरह से भर देना है प्याज के। पूरे में अच्छी तरह से हमको इस तरह से भर देना है। इस तरह से अब हम सारे प्याजों में ये चावल का आटा हमने अच्छी तरह से फिल कर लिया है। हम देखिए, एक छोटा बाउल ले लिए हैं, और इसमें हम राइस फ्लावर ले लेंगे, चावल का आटा, नमक हम थोड़ा सा ही डालेंगे, हाफ पिंच, ये हमने काली मिर्च लिए है हाफ टी स्पून, इन्हें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये सब अच्छी तरह मिक्स हो गया है। अब हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम बेसन ले लेंगे। बेसन मैंने 200 ग्राम लिया है, 100 ग्राम मैंने चावल का आटा लिया है, 100 ग्राम मैंने मक्के का आटा लिया है, 100 ग्राम मैंने मैदा लिया है, अजवाइन ले लेंगे हम हाफ टी स्पून, चाट मसाला ले लेंगे हम 1 टी स्पून, ग्रीन चिली ले लेंगे हम, धनिया ले लेंगे हम, पुदीना ले लेंगे हम हाफ टी स्पून, काली मिर्च ले लेंगे, रेड चिली ले लेंगे हम कश्मीरी 1 टी स्पून, धनिया ले लेंगे 2 टी स्पून, 3 टी स्पून धनिया पाउडर, आधा नींबू का हम जूस ले लेंगे। अब इनको हम अच्छी तरह से सब मिक्स कर लेंगे। देखिए, हम अच्छी तरह से सब मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें हम पानी डाल के अब बैटर बना लेंगे।
देखिए बैटर हमारा कितना अच्छा बन गया है। अब इसमें हम धनिया मिर्ची अदरक लहसुन का हम एक चम्मच पेस्ट डाल देंगे, इससे भजिया हमारी बहुत ही लाजवाब बनेगी। अब इसमें हम मीठा सोडा डाल देंगे हाफ टी स्पून, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए हमारा बैटर तैयार हो गया। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो ये देखिए इस तरह से हम अपने प्याज को इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको चारों तरफ से लगा देंगे। ये इस तरह से हम डिप करके इन्हें हम तल लेंगे। इस तरह से मैं अपने सारे प्याज को बना लूँगी। देखिए इस तरह से मैंने अपने सारे पकौड़े बना लिए हैं। ये देखिए इन्हें हम पलट देंगे। और अब हम दूसरी तरफ भी इन्हें सेक लेंगे। देखिए हमारे सारे पकौड़े बन गए हैं, तब इन्हें हम निकाल लेंगे। तो लीजिए गाइस बनकर तैयार है हमारे अनियन जम्बो जैक पकौड़े। आई होप कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपकी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आती रहूं। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।